दोस्तों यूई में कोई भी यूज्ड कार परचेज करने से पहले आपको एक काम जरूर करना है, वो है उसकी एक्सीडेंट हिस्ट्री को जानना। और ये एक्सीडेंट हिस्ट्री कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, मात्र कुछ सेकंड्स के प्रोसेस में आप उस कार की जन्म कुंडली जान सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प, लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों यूई में जब भी आप किसी यूज्ड कार को देखते हैं तो बाहर से तो वो गाड़ी बहुत ही साफ़ सुथरी नई नवेली दिखाई देती है, लेकिन जब आप उसका चेसिस नंबर यूज़ करके उसकी एक्सीडेंट हिस्ट्री को देखते हैं तो उसका सारा ही कच्चा चिष्टा, यानी कि कहां कहां पर उस गाड़ी को कितने बार एक्सीडेंट किया गया है, कौन कौन से रोड पर, कौन सी लोकेशन पर, सब कुछ नज़र आ जाता है। वही चीज़ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने पीसी के स्क्रीन पर, जहाँ पर हम जानेंगे किस तरीके से किसी भी गाड़ी का चेसिस नंबर यूज़ करके उस गाड़ी की कंप्लीट हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपनी गूगल की स्क्रीन पर, यहाँ इसके सर्च बार में लिख देता हूँ tem.abudhabi। एक्चुअली में ये वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पर आप एक्सीडेंट हिस्ट्री के अलावा बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नीचे कुछ आर्टिकल हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा कि आप किसी भी गाड़ी की एक्सीडेंट हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिसको हम मुल्किया भी बोलते हैं। उस मुल्किया पर हमें मिल जाएगा उसका चेसिस नंबर, और अगर मुल्किया ना होने की सूरत में आप ये चेसिस नंबर उस गाड़ी के इंजन से भी ले सकते हैं। तो यहाँ इसके सर्च बार में सिंपली जो हमें चाहिए वो हम टाइप कर देते हैं, व्हीकल एक्सीडेंट हिस्ट्री। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ सबसे पहले हमें ऑप्शन दिख रहा है व्यू व्हीकल एक्सीडेंट हिस्ट्री, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। और अगले पेज पर हमें कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन हमें यहाँ सबसे पहले जाना है व्यू व्हीकल एक्सीडेंट हिस्ट्री के ऊपर। हम जब क्लिक करते हैं तो अगले पेज पर हमें हमसे साइन इन विद यूई पास, यूई पास के जरिए इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें कहा जाएगा। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। यूई पास एक छोटी सी अथॉरिटी है जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी वेबसाइट पर, गवर्नमेंट के सेक्टर्स में, जिसमें हमारी इमीडिएट साइट और कुछ सारी डिटेल होती है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप किसी दूसरी वीडियो को देख के देख सकते हैं कि यूई पास की एक्चुअली आप किस तरीके से साइन करना है, लॉगिन करना है। मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ किस तरीके से आप यूई पास के जरिए इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे अपने यूई पास को एक्सेस करने के लिए इमीडिएट आईडी नंबर, ईमेल नंबर या फिर फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपनी इमीडिएट आईडी नंबर को यूज़ करने वाला हूँ, और लॉगिन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ अब मेरे फ़ोन में यूई पास की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई हुई है, जिसको मुझे यहाँ पर अलाउ करना है, तभी ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो सकती है। तो मैं अब यहाँ पर अपने यूई पास को अपने फ़ोन में लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन करने के बाद यहाँ से अब मुझे इस यूई पास को ऑथेंटिकेशन देनी होगी। तो यहाँ पर सिंपली मैं कन्फर्म पर क्लिक करके अपनी अथॉरिटी यहाँ से मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ से अथॉरिटी जैसे ही मैं प्रोवाइड कराता हूँ तो इस वेबसाइट को आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो चुकी है, और अगले पेज पर मुझे यहाँ पर पूछा जाता है कि किस गाड़ी की हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं, उसका चेसिस नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। तो अब इस बॉक्स में मैं गाड़ी का चेसिस नंबर डाल देता हूँ और सिंपली सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और नीचे जब मैं इसकी एक्सीडेंट हिस्ट्री देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि ये गाड़ी को 3 बार एक्सीडेंट किया जा चुका है, जो कि September 5 ये इसका रिपोर्ट नंबर था। मल्टी व्हीकल कोलिजन, यानी कि कई गाड़ियों के साथ इसकी टक्कर हो चुकी है। दूसरा यहाँ पर रिपोर्ट नंबर के साथ मैं देख सकता हूँ कि ये इसकी डेट है, और साइड कोलिजन, इसके साइड से टक्कर लगी हुई है। तीसरा रिपोर्ट नंबर में मैं देखता हूँ कि ये इसकी डेट है। मल्टी व्हीकल कोलिजन यानी कई गाड़ियों के साथ इसको भी लगा ठोंका गया है। तो इसको अगर मैं किसी भी चीज़ की डिटेल देखना चाहता हूँ, सिंपली उसी कॉलम के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब यहाँ पर मुझे उस जगह की, उस एक्सीडेंट की पूरी सारी डिटेल निकल कर आ जाती है। रिपोर्ट नंबर, रिपोर्ट डेट, किस डेट को ये रिपोर्ट किया गया है, टाइम क्या था, एक्सीडेंट टाइप क्या था, क्रॉसिंग स्ट्रीट क्या था, यहाँ तक कि इंटरसेक्शन से डिस्टेंस कितनी थी, एक्सीडेंट हिस्ट्री कितनी थी, और जो भी कुछ हिस्ट्री जो हम जानना चाहते हैं वो सारी हिस्ट्री हमें एक क्लिक में नज़र आ जाती है। हम चाहें तो इस हिस्ट्री को ईमेल कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, या फिर बैक करके दूसरी हिस्ट्री अगर हम देखना चाहते हैं तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये दूसरी हिस्ट्री हमारे सामने नज़र आ जाती है। और इसी तरीके से अगर हम तीसरी हिस्ट्री देखना चाहते हैं, या फिर कोई भी हिस्ट्री अगर यहाँ पर नहीं शो कर रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी नीट एंड क्लीन है, इसके कोई भी एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं किया गया। तो देखा आपने कितना सिंपल प्रोसेस था किसी भी गाड़ी की एक्सीडेंट हिस्ट्री को निकालने का, और ये प्रोसेस आप किसी भी यूज्ड कार को परचेज करने से पहले ज़रूर करेंगे, ताकि आपको किसी तरीके का फ्रॉड या चीटिंग का शिकार कोई ना कर सके। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।